सो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले, इसरो ने एक नए कोर्सेज को यहाँ पर हाल फिलहाल में लॉन्च किया है जो कि जियो डाटा प्रोसेसिंग यूजिंग पाइथन होने वाली है, जो कि यहाँ पर 15 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक चलने वाली है। रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो चुका है। इसे कंप्लीट करने के बाद आप सभी को अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दी जाएगी, लेकिन जो बेस्ड होगी 70% अटेंडेंस पे। मतलब जब कोर्स यहाँ पर लाइव होगी तो आप लोगों को कोर्सेज को करनी होगी और 70% आपकी अटेंडेंस यहाँ पर होनी चाहिए, तो ही आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलने वाली है। इसी के साथ बात करें, यहां पर कोई भी कोर्स की फीस आप सभी को नहीं देनी है, ये बिल्कुल फ्री होने वाला है। कोई भी स्टूडेंट यहां पर इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है। अगर बात करें यहां पर कोर्स के कंटेंट की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कोर्स की शेड्यूल पूरी आपको बता दी गई है, जो कि 15 जनवरी से स्टार्ट होकर के 19 जनवरी तक चलने वाली है, जिसके अंदर आपको रिमोट सेंसिंग के फंडामेंटल, पाइथन के बारे में और बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताई जाएगी। जैसे कि यहाँ पर रीडिंग, राइटिंग और विजुअलाइजेशन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में भी बताई जाएगी। तो कोर्सेज मिला जुला कर काफ़ी बढ़िया है, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर कोर्सेज के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो सिंपली मैंने आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। बिना किसी देरी के सीधे मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख जाएगी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो फाइनली उसके बाद आप एक न्यू साइट पर जाएंगे, यहाँ पर आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। अब आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल सिंपल है। आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद सेलेक्ट कोर्स नेम यहाँ पर आएगा। यहाँ पर फिलहाल एक ही कोर्स है, तो यहाँ पर जियो डेटा प्रोसेसिंग यूजिंग पाइथन होने वाली। यहाँ पर आप लोग इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन को क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ जाइएगा। बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या, अंडर ग्रेजुएट है, यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएट है तो भी आप लोग अंडर ग्रेजुएट को क्लिक कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों को बेसिक नॉलेज में ये क्लिक कर देना, हाउ दिस कोर्स विल हेल्पफुल टू यू, तो यहाँ पर आपको कुछ भी लिख देना है, ठीक है। मतलब ये कोर्सेज आपके लिए कैसे यूजफुल साबित होगा उसके बारे में लिखना है। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इस कोर्सेज को करना नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे हम लोग। सो फाइनली पर्सनल डिटेल्स में आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे कि फ़ोन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर्स नेम, एड्रेस हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। फिर आपको एजुकेशनल डिटेल्स में यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को चूज़ करना होगा, मेजर सब्जेक्ट को चूज़ करना होगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी को चूज़ करना होगा, ईयर ऑफ पासिंग चूज़ करनी होगी। तो इस जगह पर आप लोगों को अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर सारी डेटा को फिल करना होगा। फिर आगे आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आप लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। सो फाइनली प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर अपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में बताना होगा, क्वालिफिकेशन को आपको चूज़ करना होगा जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, अपने एक फोटोग्राफ को आपको यहाँ पर पोस्ट करनी होगी, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में अगर आप लोग यहाँ पर आधार कार्ड चूज़ कर रहे हैं तो आधार कार्ड का आपको यहाँ पर फोटो डालना होगा, उसके नीचे आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। सो फाइनली इतना करने के बाद आप प्रीव्यू कर लीजिएगा, एक पेज खुलकर सामने आएगा जिसके अंदर जो भी डेटा आपने फिल किया तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको दिखाई देगी। अगर सब कुछ सही होगा तो आपको सबमिट कर देना है। देख सकते हैं आप लास्ट में यहाँ पर अप्लाई का आपका ऑप्शन दिख जाएगा। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आप देख सकते हैं, मेरा आधार कार्ड था, इसमें ग्रीन टिक हो चुका, मतलब ये वेरीफाई हो चुका है। अब आपको लास्ट में बस अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा अगर आपको कुछ और भी चेक करना है तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको यहाँ पर एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे ओके पे क्लिक करना है। सो फाइनली यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपके यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दी गई। एक यहाँ पर आपको नंबर भी दी जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसे आप लोग इन फ्यूचर यूज़ के लिए संभाल कर रख सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद इस पेज को आप लोग या तो प्रिंट कर लीजिएगा या तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। सो फाइनली जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपको एक मेल भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। बिल्कुल इसी टाइप का मेल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पर एक URL दिया जाएगा, आपका यूज़र नेम दिया जाएगा और पासवर्ड भी आपको यहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, आप लोग 15 तारीख को इसी लिंक के थ्रू आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा और E-Class पोर्टल पर आप लोग पहुँच जाइएगा, वहाँ पर इस लिंक के थ्रू लॉगिन हो जाएगा, पासवर्ड भी आपको इस मैसेज में यहाँ पर दिखा दी जाएगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्लासेस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो क्लासेस को आप लोग कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, बस आप लोगों को क्लासेस में बने रहना है, क्योंकि 70% अटेंडेंस यहाँ पर होनी चाहिए अगर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट चाहिए, अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, कैसे आपको अप्लाई करना है, कोर्सेज को कैसे करना है। कोई और कन्फ्यूज़न अगर रह जाती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो फाइनली उम्मीद करूँगा आज की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आप सभी को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।